मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी शोरूम में आके मैं कर रहा हूँ। आ जाओ भाई जी, 300 में। नहीं, मैं जब भी बात करती हूँ मुझे लगता है मेरी आवाज़ मर्दू जैसी है। शायद हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहा है शाम के 6:45। सो आज का व्लॉग इसीलिए लेट स्टार्ट करें क्योंकि सुबह में थोड़ा काम से बाहर गया था, दिन ऑफिस में बहुत वर्क था, दोपहर में भी फ्री नहीं हो पाए तो व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए। सो आज का हमारा प्लान ऐसा था कि व्लॉग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आज के दिन व्लॉग नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। बट देन आई रियलाइज अंजलि टोल्ड मी कि एक काम करते हैं, मेरा जो हम लोग 3 दिन से आपको प्रॉमिस कर रहे थे कि भाई अंजलि जो कपड़े लेके आई वो दिखाएंगे, जो ना ड्रेस लेके आई सस्ते वाले वो दिखाएंगे, तो फाइनली आज दिखा देते हैं, आज वो व्लॉग बनाते हैं, देखते कौन कौन से नए ड्रेसेस है वो लेके आई है। उसमें से मुझे लगता है आधे तो मैंने देखे भी नहीं है, तो आज आप और मैं दोनों साथ में देखेंगे कौन कौन से नए ड्रेसेस है। अंजलि दिखाना चाहेगी नए ड्रेसेस तू? हाँ मैं तैयार हूँ। तैयार है तू? बड़ी चुनौती के लिए फाइनली। 4 दिन से तू टरका रही थी सबको। नहीं मैं तो कैमरे के अंदर क्यों घुसे जा रही है, क्या हो गया? मैं रूम में जा रही हूँ। अच्छा नए ड्रेस लेने? तूने रेडी नहीं रखे अभी भी? ये रेडी जो रेडी वाला बैठा है ना हमारे आगे, तो कल वाली ड्रेस जो देखी थी ना वो मेरे बाहर वाली बाहर पे शॉप थे ना वहाँ से मिलती है बहुत अच्छी। अभी एक्चुअली क्या हम लोग घर पे है तो नाइट ड्रेस थोड़ी ज्यादा यूजेज में आ रही है मेरे, तो ये रहा पहला डिजाइन आपके लिए। तो ये मैंने लिया है 150 का शॉर्ट्स। ये कैप्टन अमेरिका जैसा नहीं लग रहा? ये बहुत ये इतनी सोबर शर्ट है कि मुझे इसको नाइट ड्रेस का पहनने का मन ही नहीं कर रहा। ये 300। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी शोरूम में आके मैं कर रहा हूं? आ जाओ भाई जी, 300 300 में, 300 में, 300 में। ठीक है ये 300 में है। फिर सेम ऐसी मैंने ली थी, ये भी 300 में। ये इतनी कम्फी है ना, इतनी कम्फी है, मैं इसको पहनता मजा आ गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ बताए, मेरे पापा की शॉप है वहाँ पे कपड़ों की, उसे अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो ऐसे सेल्स में ले लेंगे। मैं बहुत अच्छा प्रमोशन कर सकती हूँ आई गेस। तो ये भी 300 की है, शॉप का नाम मैं बाद में रिवील करूंगी। जो जो लोग गांधीनगर में रहते हैं वो जा सकते हैं वहाँ खरीदने के लिए। तो ये रहा पजामा, ये है 500 का, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे सस्ते भी आपको मिल सकते हैं, बट मेरे साइज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं थोड़ा कॉस्टली लेके आती हूँ, बस थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए चल सकते हैं तो बेटर रहता है, तो मैं थोड़े से कॉस्टली ले आती हूँ। ये 500 का है। फिर ये मेरे को पड़ा 800 का। अरे बाप रे, ये बहुत अच्छा मटेरियल है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें 2 पॉकेट्स भी है गाइस, जिसमें अपन अपना मोबाइल सब कुछ रख सकते हैं, लड़कियाँ स्पेशली लड़कियाँ, गाइस को बोल नहीं सकती लड़कियाँ। और इसी का एक दूसरा पैटर्न ये देखिए कैसा लगा आपको, ये भी 800 का है। तो सबसे सस्ता जो मैंने कल पहना था ना वो शॉर्ट्स भी 150 का था, उसकी शर्ट तो 200 की थी। वो मेरे घर के बाहर कॉर्नर पे शॉप लगाता है भैया, वो बहुत अच्छी चीजें देता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। मतलब नहीं तो ऐसा बोल सकते, यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे तो मैं देखो होता है, अगर 150 की थोड़ी ड्रेस है वो 4 महीने भी चलती है तो मतलब आई गेस वर्थ इट है। बट मैंने एक्चुअली मैं जो नाइट ड्रेस पहनती हूँ ना ये सब वाली, ये ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 महीने चला रखी हैं, अभी तक चल रही है मेरी काफी नाइट ड्रेस। पजामे स्पेशली बहुत अच्छे चलते हैं उस शॉप से। और हाँ, शॉप का नाम है, आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दी जाएगी अंजलि का, वहां से आप उठा के इसमें से कुछ ले सकते हैं। नहीं मैं कुछ नहीं देने वाली हूं। तो एड्रेस जो लोग गांधीनगर में रहते हैं वो 21 सेक्टर जानते हैं, वहां पर ABS फैशन है, वहां से कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब जिन जिनको नाइट ड्रेस चाहिए लड़कियों को, इवन लड़कों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं शॉर्ट्स एंड ऑल, तो वहां से आप ले सकते हैं। बस आई एम डन फॉर। और अगर ABS वाले कोई देख रहे हैं और तो मुझे फ्री में नाइट ड्रेस आप दे सकते हैं फॉर द फ्री प्रमोशन, और फ्री में सेल्स गर्ल्स भी ले सकते हैं, ये यहाँ पे आगे काम करेगी। बस महीने का एक जोड़ी कपड़ा दे देना इसे। हाँ, महीने का 4 नाइट ड्रेस दे देना बस मेरे को। 4 नाइट ड्रेस कौन मांगता है? मैं मांगती हूँ ना, मैं महंगी सेल्समैन होंगी ना। अच्छा, अगर इसकी कंपनी से कोई देख रहा है, अगर मेरी कंपनी से कोई देख रहा है तो मुझे कॉन्टेक्ट ना करें। बकवास दिखा दिया अपना कलेक्शन यार, बकवास क्या है, तो कितना अच्छा तो ये कलेक्शन दिखाना चाहिए, लोगों की सहायता करना है तो हमारा परम कर्तव्य है करण। मैंने लोगों की हेल्प ही की है ना, मतलब कौन सी हेल्प की तो इसमें? तुमको कहां से नाइट ड्रेस मिल सकती है लड़कियों को, कितना कितना लड़कियां मतलब नाइट ड्रेस में पागल होती हैं, तो मैंने देखा है। हां मतलब सही बोल रही ना, यू लव नाइट ड्रेस ना गर्ल्स,
और ये हमारा फोटो शूट हो रहा है थंबनेल के लिए, और अंजलि जी बैठी है, सेल्स वुमन। मैडम जी किधर, सच में ऐसा लग रहा है नीचे रास्ते पे नहीं बैठते। जब ये व्लॉग शूट करने की बात आई ना, मैं सोचा भाई 7:45 बज गए, हम लोग क्या शूट करेंगे, मतलब हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, पता नहीं था इतना बकवास करने की शक्ति तो रखती है सच में, मतलब 5 लेकिन 8 मिनट हमने कम से कम। लेकिन हम लोग 3 दिन से ट्राई कर रहे थे ना नाइट ड्रेस दिखाने, नाइट ड्रेस तो अच्छा ना टाइम मिल गया, आज मैंने फुर्सत में नाइट ड्रेस दिखाई है। नहीं मतलब 8 मिनट इसने बकवास की है, पता नहीं इसमें से मैं कितना रखूंगा, बट हमें लगता है हम डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो डेली व्लॉगिंग तो कोई भी करना कर सकता है, अगर हिम्मत चाहिए बस। हिम्मत तो हमने बहुत दिखाई है, हिम्मत तो बहुत दिखाई है, बस व्यूज नहीं, बस आप व्यूज नहीं दे रहे हो, हिम्मत तो हमारे बहुत है, हिम्मत हमारे बहुत है। चलो अब हम शायद ऊपर जा रहे हैं अभी वॉक करने के लिए, वहाँ पे कुछ अच्छा सा मिल गया हमें वापस, वो कबूतर मिल गया एक पैर वाला तो उसका उसका लेकिन हमें थंबनेल में एक पैर वाला कबूतर रखने का बहुत, अरे पर वो उड़ गया, मैं थंबनेल लेने वाला था, अगर वो कबूतर मिल गया तो वापस डाल देंगे थंबनेल, इसको कबूतर के बाजू में बिठाएंगे थंबनेल के लिए, एक पैर वाला कबूतर। कल से पानी की बोतल लानी पड़ेगी, हालत बहुत खराब होगी, बट सो फार सो गुड। नहीं बट करण मुझसे कम एक्सरसाइज करता है, मैंने कितनी अच्छी एक्सरसाइज की थी। नहीं लास्ट मैंने 50 खत्म किया, तूने वो खत्म नहीं किया। नहीं वो जो सिंपल वाली एक्सरसाइज है ये भी नहीं कर पा रहे ज्यादा वो। नहीं नहीं मैंने ज्यादा करी है, ठीक है मेरा फास्ट डाइट एक्सरसाइज करने का, आई एम गुड वन। हाँ ठीक है जा। हाँ सो कम से कम 45 मिनट्स हमने वर्कआउट कर लिया, दिस इज द फर्स्ट डे हम वर्कआउट कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग सारे दिन है वो वॉक ही करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी की बॉटल हम लोग लेके ऊपर नहीं है, बहुत बड़ी गलती की हमने, तो अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, थक भी चुके हैं, और बैटरी जो है उसकी ऑलमोस्ट डेड है कैमरा की, तो काम करते हैं कैमरा बंद करते हैं, ऐसा होगा तो मोबाइल से ब्लॉक करते हैं। सो अंजलि कैसा रहा फर्स्ट डे यहाँ पे एक्सरसाइज करके? पहले तो मुझे ये डाउट है कि मेरी आवाज़ मर्दों जैसी है क्या? किसने बोला तुझे? मुझे क्यों लगता है ऐसा? वीडियो में ऐसा लगता है? नहीं मैं जब भी बात करती हूँ मुझे लगता है मेरी आवाज़ मर्दों जैसी है, शायद हो सकता है मुझे लगता है ऐसा, मुझे पता नहीं, मुझे तो तुझे अगर लगता हो ऐसा तो यहीं नीचे गिरा दूंगी मुझे तो बाजू में बैठी है तो मुझे तो औरत जैसी आवाज़ आ रही है। अगर आपको वीडियो में मर्दों जैसी आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके नीचे बताइए। मुझे लगता है मेरी मर्दों जैसी आवाज़ है यार। हो सकता है वजन है तेरी आवाज़ में, वजन है। किसी ने बोला है माय मदर कैसे बोल मैं अभी अपने एडवेंचर के बता, सो इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी, सो आई फेल्ट वेरी गुड। जल्दी बोल, बैटरी जा रही है। यू शुड आल्सो डू इट एवरी डे, नॉट लाइक डोंट बी लाइक अस। नहीं काम करता हूं, डोंट बी लाइक अस। नहीं काम करता हूं, तेरा अलग से वीडियो ले लेता हूं, उसमें मोटिवेशनल साउंड डाल दूंगा तो फिर बोलना, ठीक है सर? तो मैं संदीप महेश्वरी नहीं बन सकती दूसरी? संदीप महेश्वरी हाँ पता भी है। हाँ कुछ भी बनना है तुझे। हाँ तो इसमें क्या है, बस आपको ये तो बोलना है इंसान हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई भी बाधा है एकदम लात मारो और निकल लो। आगे पंजाबी है बाहर तेरी, लात मारो और निकल लो थोड़ा ज्यादा पसीना हो गया, सांस फूल रही है इसलिए ऐसी बैक की बातें कर रही है, बैक की बातें लो। A few moments later. So, भैया आज क्या बना रहे हो आप? मेहनत का पसीना है भाई ये। क्या बनाया जा रहा है आज? भाई देखो ऊपर की जो आप अभी क्लिप देख रहे थे, मैं और अंजलि बातें कर रहे थे, वो बीच में कट हो गई क्योंकि मैंने अंजलि को बोला था भाई तू बंद हो जा कैमरा बंद हो जाएगा, बैटरी डाउन हो रही है पूरी, और फिर भी ये मैडम बोलती रही कैमरा बोले चलो मैं ही बंद हो जाता हूँ, वो फिर पूरा बंद हो गया स्विच ऑफ, नीचे आए कैमरा चार्ज किया, हम दोनों नहा धो के फ्रेश हो गए, अब बन रही है गार्लिक ब्रेड विद चीज, दो गार्लिक ब्रेड खाएंगे और उसके साथ खाएंगे हम पपाया, हेल्दी चॉइस। क्या हेल्दी चॉइस, चीज खा रहे हैं भर के तो चीज इज गुड फॉर हेल्थ। So
गाइस अभी बज रहे रात के 9:30। हमने डिनर कर लिया है, नाउ वी आर वॉचिंग द फ्लैश। एक दो एपिसोड बचे तो देख के सो जाएंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, जस्ट गिव योर फीडबैक। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो लाए हो, नेक्स्ट व्लॉग जो लाए हो, उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।